जोधा में ऐश के ब्रदर थे और उसके बाद आपका रिलेशनशिप ऐश के साथ काफी फ्रेंडली रिलेशनशिप, काफी अच्छी रिलेशनशिप थी, तो रिलेशनशिप अभी भी आपके उस तरीके से मेंटेन है? आई थिंक यू नो अच्छे जब कोसा साहब के साथ रहते हैं, आपकी अच्छी रैपर होती है तो हमेशा रहते हैं, जब भी मुलाकात होगी तो कहीं ना कहीं जो आपने इतना समय साथ में बिताया है शूटिंग के दौरान, एक अच्छी रैपो है तो वो हमेशा रहेगी. यू नो हम मेरी लास्ट मुलाकात उनसे अपने जोधा अकबर के तेलुगु प्रीमियर में हैदराबाद में हुई थी. सो आई थिंक वो उतनी ही वार्म है, उतनी फ्रेंडली है जितनी पहले दिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी शूट में. आई थिंक शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल आर्टिस्ट, बहुत कमाल की कोर्स सारे, एंड आई शेयर ग्रेट रैपो विद हर. इस मूवी में आप नए प्रेम के नाम से आ रहे हैं, कैसा है? मतलब सलमान भी आ चुके हैं, काफी उसके बाद पॉपुलर रहे, काफी हिट रहे हैं, right. आपके लिए काफी लकी साबित होगा या हो सकता है आगे प्रोजेक्ट्स आपके? या मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. मुझे बहुत खुशी है कि यू नो राजेश्री जैसे बैनर रहे, सूर्य भरजाते जैसे यू नो कमाल के डायरेक्टर ने सोचा है कि मैं प्रेम की भूमिका में कहीं ना कहीं फिट होता हूँ और कहीं ना कहीं न्याय कर सकता हूँ प्रेम को. तो बहुत मज़ा आ रहा है काम करते हुए, गाना गाते हुए, यू नो वो फैमिली रिलेशनशिप्स को दिखाते हुए. कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को दर्शाते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं, जैसे आप यू नो आपके पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशन्स हैं, आपके अपने दोस्तों के साथ क्या रिलेशन्स, वो सब चीज़ें जब पर्दे पर आती हैं लोग कितनी अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वही राजश्री की फिल्म होती हैं. सो आई थिंक बहुत अच्छा महसूस होता है प्रेम का किरदार निभाते हुए. इस फिल्म में आप एज अ सोलो हीरो भी हैं जी, और तो कैसा आपको लगा है मतलब फर्स्ट मूवी एज अ सोलो हीरो? या आई थिंक बहुत कमाल की फीलिंग आती है जब इतना बड़ा बैनर आप पे यू नो विश्वास करता है कि आपको सोलो हीरो फिल्म लिया जाए, और ख़ासकर प्रेम हो, राजश्री का बैनर हो. सो आई थिंक बहुत जिम्मेदारी भी आपके कंधों पे होती है कि आपको एक फिल्म में आप काम कर रहे हैं जो आपकी सोलो हीरो फिल्म है. लोग कितने लोगों को आप थिएटर्स में खींच सकते हैं आसान नहीं है आज की रोज़मर्रा की जिंदगी, लोग इतने व्यस्त हैं अपने कामों में कि उनको थिएटर्स में खींचना बहुत मुश्किल काम है. लेकिन फिर भी यू नो रिस्क जब तक नहीं लेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं. तो कोशिश की हम लोगों ने कि कहीं ना कहीं एक ऐसी फिल्म बने जिसके कारण लोग फिल्म देखें और लोगों को एहसास हो कि एक टीम ने बहुत मेहनत करके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वी जस्ट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस. ये विश्वास है कि भगवान कहीं ना कहीं इस यू नो प्रोजेक्ट को एक वैसा भी को काफी लोगों तक लेके आएगा. क्या रीजन था कि आपने इसी मूवी को एज अ सोलो हीरो साइन किया? आई थिंक बहुत सारे रीजन थे. मुझे इस बात का एहसास है कि यू नो आप फिल्म बैकग्राउंड से नहीं हैं, आप एक छोटे से शहर मोगा से पंजाब से अचानक आप सोचते हैं कि आपको फिल्म लाइन में आना है और आप बॉम्बे पहुँचते हैं. तो कुछ ऐसे रीजन्स होने चाहिए जिसके कारण लोग थिएटर्स में आपको देखने आए, जिसके कारण लोग कहें कि यार चलो उसकी फिल्म देखने जाते हैं. तो वो मुकाम तक पहुंचने में समय लगता है. उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपके पास ऐसे लोग चाहिए, इतने मजबूत कंधे चाहिए जिसके कारण लोग थिएटर्स में आए. आई थिंक राजश्री एक ऐसा बैनर है जिसने बार बार इतने सालों तक प्रूव करते आए हैं कि वो उनकी फिल्म्स, उनका एक अलग ऑडियंस है जिसे लोग देखने ज़रूर आते हैं. तो आई थिंक राजश्री की फिल्म चुनना एक ऐसा यू नो मेरा डिसीजन था कि नहीं यार ये एक ऐसा बैनर है जिसमें मैं सोलो हीरो फिल्म करूं और कहीं ना कहीं न्याय कर सकूं. तो आई थिंक दैट वाज वन रीजन. दे आर वेरी ग्रेट प्रोड्यूसर्स एंड आई एंजॉयड वर्किंग विद देम. आपने